गदर 2 से जबरदस्त कमबैक करने वाले सनी देओल पर हाल ही में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप लगे हैं। ये आरोप प्रोड्यूसर सौरभ गुप्ता ने उन पर लगाए हैं। सौरभ का आरोप है कि सनी ने सालों पहले उनके साथ फिल्म साइन की थी। हाल ही में सौरभ गुप्ता ने बताया है कि उन्होंने 2016 में सनी देओल को एक फिल्म के लिए साइन किया था। उन्होंने फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपए एडवांस में लिए थे, लेकिन फिल्म शुरू करने की बजाय वो और रुपए मांगने लगे। फिल्म में लीड रोल निभाने के लिए सनी देओल की फीस 4 करोड़ तय की गई थी। प्रोड्यूसर सौरभ ने कहा है, हमने उसे 1 करोड़ रुपए एडवांस दिए थे, लेकिन हमारी फिल्म शुरू करने की जगह उसने पोस्टर बॉयज 2017 की शूटिंग शुरू कर दी। वो लगातार हमसे और पैसे मांगता रहा और इस तरह हमने उसे 2.55 करोड़ रुपए दे दिए। आगे उन्होंने बताया है कि 2023 में सनी देओल ने उनकी कंपनी के साथ एक फर्जी समझौता किया था। सौरभ गुप्ता का दावा है, जब उन्होंने वो एग्रीमेंट देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया हुआ अमाउंट बदला जा चुका है। 4 करोड़ की जगह उसमें 8 करोड़ फीस लिखी हुई थी, जबकि प्रॉफिट अमाउंट 2 करोड़ कर दिया गया था। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।